तो फ्रेंड्स यहाँ पर फाइनली 5 दिसंबर है और आज अलॉटमेंट है धर्माज क्रॉप गार्ड के आईपीओ का। तो जिन जिनने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया था और जिनके पैसे होल्ड हो चुके हैं तो उनके लिए बहुत ही खास दिन आज इसका आईपीओ का अलॉटमेंट है। तो आपको अलॉटमेंट कहाँ देखना है, इसका स्टेटस और कितने परसेंटेज चांसेस हैं आपको अलॉटमेंट मिलने के, सबसे पहले आप देख लीजिए बेसिस अलॉटमेंट 5 तारीख को यानी आज है। आपको कहाँ देखना, कब देखना, वो भी बताऊँगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो कल आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, और आपको ये मिल जाता है तो कल ही के कल आपका जो भी डीमेट अकाउंट उसमें इसके शेयर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसकी जीएमपी की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो इसकी लेटेस्ट जीएमपी में कोई उतार चढ़ाव देखने के लिए नहीं मिल रहा, वही 55 थी और 55 पर ही बनी हुई है। तो अगर आपने एक लोड के लिए अप्लाई किया होगा तो 60 शेयर आपको अलॉट होने वाले हैं। तो अगर अभी आपके मन में सवाल आता है एक लोड के लिए अप्लाई किया तो कितना बेनिफिट मिल सकता है, 3300 रुपये का बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक लोड के लिए। अगर आपने अप्लाई किया तो लिस्टिंग गेन जो 3300 रुपये के आसपास मिलेगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने के लिए आपने अप्लाई किया है, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। भाई मैं तो जब भी इन्वेस्ट करता हूँ अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल जाता है तो मैं यहाँ से ले करके निकल जाता हूँ। तो 3300 रुपये जो है अच्छा खासा लिस्टिंग गेन आप यहाँ से कह सकते हैं। तो इतना लिस्टिंग गेन अगर आपको मिलता है तो लेकर के निकल जाना चाहिए। अभी बात करते हैं इसके चांसेस कितने हैं। तो इसका जो कोटा है वो 35% का रखा गया था, तो वहाँ से चांस बनते हैं आपको आईपीओ अलॉट हो जाएगा। लेकिन ये बम्पर सब्सक्रिप्शन में वहाँ से चांस कम बनते हैं कि आपको आईपीओ अलॉट हो। अभी बात आ जाती है आपको कहाँ देखना, कितने बजे देखना। तो शाम को 4 बजे या 5 बजे के आसपास मैसेजेस आने चालू हो जाते हैं। अगर आपके अमाउंट डेबिट का मैसेज अगर आपके पास में आता है तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया। और अगर आपका रिबुक का मैसेज आता है, किसी तरीके का रिबुक हुआ है, आपका पेमेंट वापस क्रेडिट हुआ है, तो समझ लीजिए आपको आईपीओ नहीं मिला। किसी भी सूरत में, दोनों ही सूरत में किसी भी तरीके का मैसेजेस नहीं आता है, आपको अपने ब्राउजर पर आ जाना, वहाँ पर लिख देना लिंक्डइन टाइम। जिस तरीके से आप लिंक्डइन टाइम लिखेंगे वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए अलॉटमेंट स्टेटस की वेबसाइट है, इनके रजिस्ट्रार हैं। तो यहाँ पर पैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डीपी, क्लाइंट आईडी, 3 तरीके से आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं। मैं हमेशा पैन नंबर से चेक करता हूँ। तो आपको यहाँ पर अपना आईपीओ सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना है, सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपका स्टेटस खुल करके आ जाएगा, आपको आईपीओ अलर्ट हुआ है या नहीं हुआ। अभी आपको चेक कब करना, अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी मैसेज नहीं आता तो शाम को 7 बजे के बाद कभी भी इस वेबसाइट पर आप आ करके बड़ी आसानी के साथ अपना अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं, अगर आपके पास किसी तरीके का कोई मैसेज नहीं आया है तो। कभी कभी यहाँ पर ये लेट अपडेट होता है तो 7 की जगह पर फ्रेंड यहाँ पर 8 भी बच सकते हैं, लेकिन फाइनल स्टेटस बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ से देख पाएंगे दोस्तों किस किस को आईपीओ अलॉट हुआ है और किस किस को नहीं हुआ है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करके अपनी राय जरूर दें फ्रेंड्स।